Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आज ठीक हूँ. पिछले दो तीन दिन से ना जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फीवर हो गया था, जिसकी वजह से मैंने जो है वो दो दिन से व्लॉग भी पोस्ट नहीं किया है. तो आज मैंने सोचा आज तो भाई मैं ज़रूर करूँगी, बिकॉज आज तो बनता है ना, क्योंकि मैं ठीक हो गई हूँ. ठीक होने की खुशी में हमने मंगवाई है जी हलवा पूड़ी. हलवा पूड़ी तो हमने वैसे ही मंगवा लिया क्योंकि नीयत आज ख़राब थी. तो नाश्ता वगैरह हो गया है और आज जो है मैंने अपना ये आउटफिट जो है वो आयरन करके लटका दिया. इसको वेयर करेंगे इंशाल्लाह. और ये है इसके साथ का प्लाजो एंड शर्ट कुर्ता. ये आपको मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ. इसके नीचे टसल्स मैंने खुद से ऐड किए हैं. आप लोगों को ये पार्सल तो याद होगा, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे कुछ दिन पहले जो है ना वो भतीजी हुई थी. कुछ दिन पहले नहीं, एक महीने पहले. तो उसके लिए मैंने ये पार्सल रेडी किया था. बॉक्स मैंने खुद से बनाया था. अगर आप इस बॉक्स का ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है वीडियो का. आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा. और इसके अंदर किस टाइप के जो है वो क्लॉथ्स रखे हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा. तो ये जो पार्सल है ना, ये मैंने आज करवाना है TCS. TCS इसलिए करवाना है कि इतने जब जिस दिन एजल पैदा हुई थी ना, उस दिन तो हम गए थे और उस दिन जो है वो मिठाई और साथ पैसे वगैरह पापा जो है ना दे आए थे. लेकिन ये कपड़े ले जाना ना मैं भूल गई थी. तो मैंने ये कपड़े जो है ना वो सर्दियों के लिहाज से लिए थे, लाइक फर्स्ट मंथ्स के जो कपड़े थे ना वो कपड़े लिए थे. और साथ जो है ना वो ये वाली एक कैरी ली थी. तो अब जो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सीज़न है ना वो आउट ऑफ सीज़न हो रहा है, मतलब कि सर्दियां जो हैं वो जा रही हैं. तो मैंने सोचा कि कपड़े जो है ना वो TCS करवा देते हैं ताकि कपड़े जो है हमारे ज़ाया नहीं हो. और एक ये वाली कैरी ली थी. अच्छा, आज ना मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि आपको जो चीज़ें अवॉइड करनी हैं वो ये हैं कि आपने कभी भी न्यू बॉर्न, अगर आपके घर में किसी के घर में होने वाला है, कोई बहन का बेटा, भाई का बेटा, बहन की बेटी, भाई की बेटी, एनीथिंग जो भी है, आपने ना हमेशा बड़े साइज़ के कपड़े लेने हैं एंड वन ईयर के आपने लेने हैं. लाइक फुल जो न्यू बॉर्न होता है ना उसके कपड़े आपने बिल्कुल भी नहीं लेने हैं. जैसे कि मैंने लिए थे, दो तीन ड्रेसेस ऐसे थे कि जो अंदर से बहुत ज़्यादा छोटे थे और 1-3 मंथ्स तक ही पहना सकते थे. और सर्दियाँ क्योंकि जल्दी चली जाती हैं तो फिर इसलिए मैंने वो TCS करवाए हैं. तो अब जो है ना वो कपड़े जो हैं वो TCS करवाने हैं अभी. तो मैंने सोचा उससे पहले जो और चीज़ें हैं ना जो न्यू बॉर्न के लिए मैंने ली हैं, परचेज़ किए हैं. वैसे तो देखें हर बंदा जो है ना वो अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग करते हैं. देने को तो आप चाहे अपनी जायदादों की जायदादें भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है मुझे. लेकिन ना एक जो तरीका होता है जो थोड़ा बहुत आपको देना ही पड़ता है, तो वो मैंने इसके लिए एक इस तरह से बेबी कैरी कॉट था ये लिया था. प्लस मैंने 5 pairs ऑफ क्लॉथ्स, मतलब जिसमें मैंने सोचा था कि मैं सर्दियों वाले ही लूँगी, लेकिन क्योंकि आगे जो है वो मौसम गर्मियों वाला आ रहा है, तो फिर मैंने उस लिहाज से मार्च के लिहाज से भी मैंने थोड़े बहुत कपड़े लिए थे गर्मियों वाले भी. तो अगर आप वो लोग जो लोग न्यू हैं, जो न्यू जिनके घर में बेबी है, जिनकी कोई मदर नहीं है स्पेशली, जैसे कि मैं थी, तो मैं जो YouTube पे सर्च करती थी, क्योंकि आई डोंट नो कि आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन जैसे मेरी मदर नहीं है तो इसी तरह से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सर्च करते हैं YouTube से. और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि किस तरह का, किस टाइप का जो है वो गिफ्ट हम न्यू बॉर्न बेबी को गिफ्ट कर सकते हैं. तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा इस वीडियो से, क्योंकि जो है भाई मैंने एक्सपीरियंस किया जो चीज़ मैं नहीं चाहती कि कोई और वही चीज़ एक्सपीरियंस करे. तो बस इस तरह से जो है ना वो एक कैरी कॉट ली थी मैंने. तो ये 3-in-1 कैरी कॉट है. और इसके ये यहाँ पे जो है ना वो फीडर पॉकेट है, फीडर आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं. तो मैं ना इसको चेयर बना के दिखाती हूँ आपको, ये चेयर भी बन जाती है. तो यहाँ पे मैंने जैसे छोटे बच्चों की तरह के खोल के मैं आपको इस तरह भी करके दिखाती हूँ, इस तरह भी करके दिखाती हूँ. तो ये इस तरह से चेयर बन जाती है और मतलब आप बेबी को बिठा के खाना शाना खिला सकते हैं ईजिली. और यहाँ पर एक इन्होंने ना दी हुई है अंदर स्ट्रैप,
आपके बेबी गिरे ना, तो ये आप सब ने तो देखा ही होगा। अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है जो भी आप सोच रहे हैं न्यू बॉर्न को गिफ्ट देने के लिए, तो आप लोग ये ज़रूर दे सकते हैं। अच्छा, अब मेरे साथ एक और भांड हो गया कि मैंने ये ली हुई थी लाइक 4 to 5 months पहले ही। लाइक बेबी तो अभी 1 month की है ना, तो मैंने बहुत देर पहले की लेके रखी हुई थी, और अब जो है ना सेम चीज़ जो है ना वो उसकी दादों ने उसको दे दिया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये वाली जो है ना मैं उसे नहीं दूंगी, क्योंकि ये तो अब एक उसके पास हो चुकी है ऑलरेडी। तो फिर देखेंगे कि आगे कुछ नेक्स्ट जो भी है, लेकिन मैं आप लोगों को एक आइडिया ज़रूर दे दूंगी कि मैंने अपनी तरफ से जो चीज़ें सोची हुई थी वो मैंने ये ली थी। तो अब इससे एक्सचेंज ही करवाएंगे डेफिनेटली, इसकी जगह कोई वॉकर शॉकर आ जाएगी। तो ये जो है ना इस तरह से बनी हुई है, ऊपर नेट है इसकी, और लाइक मॉस्किटोज़ के लिए ये सारा ना बचाव के लिए सारी इसमें प्रिकॉशंस वगैरह सब कुछ है। तो इस तरह से बेल्ट भी है ताकि बेबी के गिरने का खतरा ना हो, कुछ भी ना हो। एंड यू कैन आल्सो कैरी योर बेबी लाइक अ झूला, तो यहाँ पे ऊपर से आप इसे पकड़ें, होल्ड करें, एंड यू कैन टेक योर बेबी एनीवेयर, लाइक इन किचन, इन वॉशरूम, एनीवेयर यू गोइंग यू कैन टेक योर बेबी एंड आप जाएं बस। तो इस तरह से 3 तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और मदर्स के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। और एक ये कैरी कॉर्ड था, उसके अलावा मैंने आपको बताए हैं सूट्स थे, उसके अलावा जो है वो हम जिस दिन मिलने गए थे बेबी से उस दिन आप मैं ये उन लोगों के लिए सब कुछ बता रही हूँ कि जो लोग वाकई सर्च करके मेरी वीडियो पर आए हैं और जो लोग इसकी तलाश में हैं। तो साथ उसके 2 kgs जो है वो मिठाई थी और साथ पैसे थे। अब जो है वो मैं ये चीज़ें थी बस, और इसके अलावा कुछ नहीं था। अब मैं आ गई हूँ जी TCS ऑफिस, क्योंकि मुझे पार्सल TCS करवाना है, और यहाँ पर जो है वो मैंने अपना पार्सल यहाँ पर ला कर रख दिया है। अब जो है क्या इशू हुआ, एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि मैंने इतनी मेहनत से और इतने प्यार से ये बॉक्स बनाया था ना लिटरली, तो और यहाँ पर उन्होंने बोला कि बॉक्स की वजह से जो है ना वो वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से आपको डिलीवरी चार्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे, मतलब के अराउंड 900 के। तो 900 उन्होंने मुझे ना डिलीवरी चार्जेस बता दिए, लाइक फ्रॉम गुजरांवाला टू लाहौर इट्स टू एक्सपेंसिव यार, कि इतने से पार्सल के लिए 900 मैं पे करूँगी। सो उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है ना वो अपना बॉक्स निकाल दें, जिसकी वजह से वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो मैंने बस यहाँ पर अपना बॉक्स निकाल दिया, और मैं सोच रही थी कि बॉक्स के साथ भिजवा देती हूँ, फिर मैंने सोचा 900 इज़ रियली मतलब कॉस्टली है। तो उन्होंने मुझे यहाँ पर बिल दिखाया, ये देखें 960 बन रहे थे, मैंने आपको 900 बताया है। तो मैंने उन्हें कहा चले आप इस तरह करें कि आप जो है ना वो सारे बॉक्स से निकाल के आप इसी तरह रैप करके जो है ना वो पार्सल बनाकर भेज दें। उसके बाद जी वो सारा रैप शैप करवाया है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह मैंने डिटेल्स वगैरह लिखवाई हैं, एंड सब कुछ डन हो गया है। और अब जो है ना वो मैं बॉक्स लेके बस मेरा इतना छुरियाँ चल रही थी ना मेरे दिल पे, लाइक कि एक चीज़ इतनी मेहनत से आप बनाओ, इतने प्यार से आप करो, लेकिन वो आप भेज ना सको, वो आप दे ना सको। लाइक मैं जो कैरी कॉट लाई थी वो भी ऑलरेडी उसके पास है, उसके बाद अभी जो मैंने गोल्ड शॉपिंग करनी है, और मतलब एक रिंग ली है बेबी की, और साथ हाँ ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि रिंग लेनी है एक, और रिंग लेने जो सारा मैंने शूट किया वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में लगा दूँगी, वो भी आपको दिखाती हूँ। एंड यहाँ पर जो है वो पार्सल जो है ना वो रेडी टू डिलीवर हो गया है, ये तो जाए ना, मतलब उसके बाद फिर मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। तो पार्सल जो है वो डिलीवरी के लिए भेज दिया है, अब जो है ना वो गोल्ड शॉप पे चलते हैं, वहाँ से एक जो रिंग है ना वो ली थी, वो उसके थोड़े पैसे दिए थे। अब कौन सी ली थी ये मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी, थोड़े पैसे दिए थे, थोड़े अब देने थे। तो ये वाली जो रिंग है ना ये वाली मैंने परचेज़ की थी, और ना मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं ये रिंग लेकर घर वापस आई तो मैंने अपने पापा को दिखाई कि रिंग कैसी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा पहले से ही उसके पास जो है ना वो 2 rings हो चुकी हैं, तो अब ये रिंग देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी उंगली छोटी होती जाती है, तो इस तरह की चीज़ देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो या तो टॉप्स होते तो हम दे देते, लेकिन रिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब मुझे ये रिंग भी रिटर्न करवानी है। तो मेरे साथ तो बहुत से स्कैम्स हुए हैं, आप लोग इस तरह की गलतियां मत कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो